अंदर शुरू हो जाएगा। ये देखो हो गया शुरू, बस खत्म खेल। कैसे ब्रेक फेल्स हुए थे ब्रांड न्यू XUV 700 के। इतने हम स्टे भी है ना यहाँ पे, मतलब 8-10 हम पे हालत खराब हो जाता है यार पीछे बैठने वाले। आजकल देखो ऑटो भी ना फाटक वाला आ गया, मतलब दरवाजा है ऑटो बंद करने के लिए भी दरवाजा है दोनों साइड में, एक साइड में नहीं, और उसके लिए भी लॉक है। जो पुराना टाइम में मारुति में आता था ना लॉक ऊपर नीचे करने वाला, वैसा वाला लॉक है। क्या खेल रहा है बापू तू? हाँ ये क्या है, ये देख तेरे को खाएगा। खो खाओ खाओ भाई। मैं फिलहाल अरुण भाई की ये वीडियो देख रहा था, जो अरुण पवार यूट्यूबर है, कार्स के बारे में वीडियो बनाते हैं, उनकी ये वीडियो देख रहा था। आप लोगों ने भी शायद देखी होगी इनकी कार की सनरूफ, कहीं बाहर घूमने गए थे और इनकी कार की सनरूफ से पानी आने लगा था अंदर। तो एक्चुअली क्या कुछ हुआ उस वीडियो में, इस वीडियो में अरुण भाई ने पूरा कुछ बताया हुआ है। मैंने ये पूरी वीडियो देखी है। तो ये वीडियो क्यों है और क्या कुछ है और मेरा क्या ओपिनियन है इस वीडियो के ऊपर, वो उसके बारे में बात करते हैं अब। भाई जब पूरा वीडियो मैंने देखा और जो जो पॉइंट्स अरुण भाई ने बताए हैं इस वीडियो में, अब देखो एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ है, हम लोग तो वहां थे नहीं, ना आप थे ना मैं था ना महिंद्रा वाले थे, लेकिन जब जो वीडियो में बताया गया है उस हिसाब से ना जो जो पॉइंट्स अरुण भाई ने बताए बिल्कुल सही है कि आप 25 लाख रुपए की गाड़ी लेके कहीं बाहर जा रहे हो और फिर ऐसा हो जाए। अब उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि यार पानी के नीचे क्यों लेके गए या फिर नहीं लेके जाना चाहिए था, वो भाई 25 लाख रुपए दे रहा है तो थोड़ा बहुत तो इन्जॉयमेंट करेगा यार। अब वो तो झरने के नीचे लेके गए, अगर इतना तेज बारिश होता तो फिर पानी तो वैसे ही आ रहा था ना अंदर, तो चाहे बारिश हो या झरना हो। अब उस सिचुएशन पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब इनका गाड़ी का जो है ना ऊपर का जो रबर रहता है वो निकल गया या रबर ढीला हो गया उसके वजह से आ गया, लेकिन क्यों हो रहा है? अब देखो ऐसा नहीं बोल सकते कि महिंद्रा की हर गाड़ी में हो रहा है या महिंद्रा की कुछ गलती है, क्योंकि गाड़ी है भाई, किसी में भी हो सकता है, किसी भी गाड़ी में किसी भी वक्त प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैकेनिकल चीज़ें हैं ये, मतलब ऑटोमेटिक, और ये मशीन इसीलिए मशीन बोलते हैं यार, कभी भी ख़राब हो सकती है मशीन। लेकिन ये भाई थोड़ा प्रॉब्लम वाला चीज़ है यार, 25-26 लाख रुपए दे रहे हो, सनरूफ से पानी आ रहा है, उसके बाद में जो महिंद्रा ने एक्शन लिया है वो लोग क्या किए हैं, वहाँ पे गए हैं दूसरा गाड़ी लेके, फिर उस पर ट्राई किया है कि हमारा गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई आपका गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है तो मतलब ये जो अरुण भाई गाड़ी वहाँ लेके गए हैं वो महिंद्रा की ही है, वो दूसरी गाड़ी नहीं है। तो उसके बजाय महिंद्रा वाले अरुण भाई के पास आके इनका गाड़ी का सलूशन देखते कि क्या इश्यू है एग्जैक्टली इनका गाड़ी में, क्योंकि हर गाड़ी में ये प्रॉब्लम नहीं है सनरूफ का। गए महिंद्रा के पास ना XUV 700 है, उसकी बहुत बड़ी सनरूफ है, अभी तक सुना नहीं है कुछ इश्यू के बारे में, लेकिन ये गाड़ी में इश्यू आया है तो मतलब पर्टिकुलर गाड़ी में है, ऐसा नहीं है आप दूसरा गाड़ी लेके जा रहे हो और बता रहे हो कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उनका भी गलती नहीं बोल रहा हूँ, महिंद्रा कंपनी ख़राब है या कुछ भी है, क्योंकि महिंद्रा जो गाड़ी निकाल रही है इंडियन मार्केट में 20-25 लाख में, जो गाड़ी दूसरा कंपनी 60-70 लाख में नहीं दे पा रही है वो निकाल रही है, तो ट्रेमेंडस जॉब महिंद्रा ने ना बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन इश्यूज़ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यार, जैसे कि ट्रस्ट, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टोयोटा अच्छा है, टोयोटा में भी प्रॉब्लम्स आती है यार, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स गाड़ी में रहती है यार, कोई गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, कोई गाड़ी में कुछ और कमी है, किसी गाड़ी में कुछ कमी है। टोयोटा फॉर्च्यूनर ले लो यार, सनरूफ नहीं है, लोग बोलते हैं सनरूफ नहीं है, 50 लाख रुपए दे रहे, तो हर गाड़ी में कमियां रहती है, लेकिन ये इश्यू सॉल्व करने पड़ेंगे यार, थोड़े बड़े होते जा रहे हैं। आपने सुना ही होगा पहले विकास दयाल करके यूट्यूबर है, एक्सप्लोर द अनसीन, उन्होंने XUV 700 लिया था जब नई आई थी तभी लिया था, उससे लद्दाख ट्रिप किया और भी कहीं गए, लेकिन उसके बाद में सडनली उनका गाड़ी को सेल करना पड़ा उनको, क्योंकि ब्रेक फेल्स हो गए यार। ब्रेक फेल्स होना छोटा इश्यू नहीं है, बहुत बड़ा इश्यू है यार। वो तो ठीक है, वो गली में थे, वहाँ पे ट्रैफिक नहीं था, वो बच गए, अगर वो हाईवे पे या पहाड़ों में कहीं पे होता तो मुश्किल हो जाता भाई। आपको दिखाता हूँ उस वीडियो की झलकियाँ जो
एक्सप्लोर द अनसीन पे विकास दयाल ने डाली है। अब देखो ये वीडियो है, यहाँ पे देखो ये एंजॉयमेंट के लिए लेके गए, ये पानी आ रहा है, कुछ ज्यादा नहीं है, इतना भयंकर पानी भी नहीं है। अब अंदर शुरू हो जाएगा, ये देखो हो गया शुरू, बस खत्म खेल। अब ऐसे में लोग बात कर रहे हैं वो खुद लेके गए हैं, ऐसा कर दिया है सनरूफ में, ये कर दिया है, प्रॉब्लम दिखा रहे हैं। भाई कौन चाहेगा उसका गाड़ी का इंटीरियर खराब हो, अंदर से और भी कोई इश्यू आ सकता है ना। ऐसा नहीं है कि खाली पानी अंदर आ रहा है, उसके पास म्यूजिक सिस्टम है, 4x4 के सिस्टम है, वो सब खराब हो सकते हैं ना। कौन चाहेगा ऐसा करना यार, कोई नहीं चाहेगा भाई, ये गलत है जो आप बोल रहे हो। सपोर्ट करो, इश्यू है मतलब है। अब ये वीडियो है XUV700 विकास दयाल जी की, जो कि एक्सप्लोर द अनसीन चैनल है उनका, उस पर इन्होंने बताया था कैसे ब्रेक फेल्स हुए थे ब्रांड न्यू XUV700 के। मैंने प्लान किया कि ये गाड़ी मुझे नहीं रखनी, मैं किसी भी कंपनी या किसी भी व्हीकल के लिए टॉक्सिक नहीं हूं। इस वीडियो के बारे में भी बहुत बातें हुई, इस इंस्टेंस के बारे में बहुत बातें हुई, क्योंकि ना इन्होंने बहुत जल्दी अपनी गाड़ी बेच दी। लोग बोलने लगे महिंद्रा के पीछे पड़े हैं, टोयोटा से कमीशन मिल रहा है, लेकिन वो नहीं है भाई, सबको अपनी जान प्यारी है भाई। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सा कस्टमर सेटिस्फेक्शन करो महिंद्रा, क्योंकि ना ऐसे इश्यूज आ सकते हैं। नहीं बोल रहे हैं महिंद्रा की गाड़ी में, दूसरे गाड़ी में भी आ सकते हैं, क्योंकि नई गाड़ी बन के आती है तो किसी को पता नहीं है भाई कैसी होती है। लेकिन ये ऐसा इश्यूज ना 1000 गाड़ी में, 1 गाड़ी में आता है, लेकिन जिस एक बंदे के पास वो गाड़ी आती है ना, उसको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो अपना खुद का ना मेहनत का पैसा लगा कर लेता है। तो ये थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। बाकी अब मैं नहीं बोल सकता महिंद्रा गलत है, क्योंकि महिंद्रा भी कुछ नहीं कर सकती, मैकेनिकल चीज़ें, 1000 गाड़ी में 1 गाड़ी कुछ ऐसी हो जाती है, कभी कभी फॉल्ट आ जाता है, क्योंकि वो लोग पार्ट्स ना अलग अलग जगह से खरीदते हैं। तो चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आप भी बताओ कमेंट में इसमें किसका गलती है, या सर गलती नहीं बोल सकते, क्या करना चाहिए महिंद्रा को इसको इम्प्रूव करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मारुति गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आता है, टाटा गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आता है, टाटा में प्रॉब्लम नहीं आता है, प्रॉब्लम सब में रहता है, हर एक गाड़ी में कुछ ना कुछ इश्यू रहता है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है भाई। तो ज़्यादा उसको दिल पे नहीं लो, ऐसा मत बोलो कि महिंद्रा गलत है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि महिंद्रा गलत है, वो एक गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन थोड़ा आफ्टर सेल सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए कस्टमर को, वो वाली बात है। आप बताओ कमेंट्स में आपकी क्या राय है इस पे, और आपका क्या डिसीजन या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे। चलो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।